तो दोस्तों, कैमरा का एंगल आज थोड़ा अलग है ना। और मेरे दूसरे चैनल पर मैंने एक पोस्ट डाला कि ब्लॉगिंग करना है, क्या शुरू करेंगे। तो तकरीबन 70% लोगों ने कहा हाँ भाई, ब्लॉगिंग शुरू करो। तो मैंने सोचा दूसरा चैनल तो ऐसे है ही है, ये चैनल ऐसे ही पड़ा हुआ है, टेक चैनल, छोटा की तरह डालता भी नहीं हूँ, तो मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करने में, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ जो मन की बात होता है थोड़ा बहुत शेयर करने में, और थोड़ा बहुत आपको मेरा सिटी दिखाने में। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी किए, और ऐसा नहीं कि मैं मुंह उठाकर चलाया और ब्लॉगिंग करना मुझे आता हो। ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि कैमरा के सामने कैसा बात करना है, क्योंकि हैबिट हो चुका है कैमरा के सामने बात करना। तो थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के रिलेटेड आज बात करेंगे कि ब्लॉगिंग पहला है, मतलब 2-3 वीडियोस में बनाया था ब्लॉगिंग के ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं था। पता चल गया आपको मैं ब्लॉगिंग में कितना ज़्यादा अभी थोड़ा बहुत शर्मिला हूँ। और क्योंकि यहाँ पर एक बाइक गया तो मैं थोड़ा बहुत रुक गया, क्योंकि है भी नहीं है ना ब्लॉगिंग करने के लिए। और अभी मैं ग्लैमर पे हूँ, लेकिन बाइक जो जा रहा था KTM जा रहा था, और सारे ब्लॉगर का जो ड्रीम बाइक होता है KTM ही होता है। और मेरा ड्रीम्स भी है कि कब KTM में ब्लॉगिंग करना है। तो देखेंगे, मेरा पहला ही ब्लॉग में जो साइड में निकला है और KTM निकला है, तो सोचेंगे कभी अगर ब्लॉगिंग में कुछ हुआ तो KTM ही लेंगे। लेकिन आज थोड़ा बहुत आप सारे लोगों से जो बात करेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब सोचेंगे कि ब्लॉगिंग में क्या क्या इक्विपमेंट अभी मैं ख़रीदने वाला हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग आप कर दोगे और अभी तो आपको साउंड तो क्वालिटी आपको अच्छा आ नहीं रहा होगा, आपको वीडियोस में वगैरह आपको थोड़ा बहुत अच्छा आ रहा होगा, थोड़ा बहुत कैमरा, मेरा फ्रंट कैमरा थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन माइक्रोफोन का क्वालिटी ब्लॉगिंग में इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्या क्या खरीदते हैं आपको बताता हूँ। पहले ही ब्लॉग में आज मुझे मिल गया यहाँ पर गोलगप्पे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज गोलगप्पे मिलेगा। तो थोड़ा बहुत सोचा कि वहाँ पर खाने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है ना, आपको पता है कि पहली पहली बार ब्लॉग कर रहा हूँ, और अगर वहाँ से आप जाकर खाऊँ और आप लोगों के साथ ऐसे वीडियो बनाऊँ तो थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली बोलता हूँ शर्म आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर, और एक दो लोग थे, और मुझे बिल भी नहीं हो रहा था कि मिल जाएगा। और ऐसे पता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे पानी को खोलते हैं, क्योंकि ये तो होगा होगा नहीं डायरेक्टली मुंह में। तो थोड़ा बहुत पहले सीनरी देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत आपसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बात होगा। दोस्तों पहले तो यहाँ पर देख लो, बहुत ही मस्त सीनरी। मतलब मैं सोचा था कि आप लोगों के साथ यूट्यूब कैसे स्टार्ट करने के बारे में बनाऊँ, लेकिन रास्ते में गोलगप्पे ही मिल गया, तो पहले गोलगप्पे खा देते हैं, क्योंकि गोलगप्पे सिर्फ नाम का बदनाम है लड़कियों के लिए, लेकिन लड़के भी कभी कभी खा लेते हैं। जो अच्छा है, और गोलगप्पे खाते खाते आपसे थोड़ा बहुत बात हो जाएगा। और दोस्तों पहली जो चीज़ है, मैं सोचता हूँ आज ब्लॉगिंग बनाने के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा है गोरिल्ला पॉड, क्योंकि गोरिल्ला पॉड में क्या होता है, अब मैं जो बाइक में आ रहा था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मैं बाइक में आऊँ, और फोन भी मार रहे हैं लोग, स्टैंड हो रहा, हाथ में एक स्टेबिलिटी आता है यहाँ पर गोरिल्ला पॉड में। तो मैंने 400 रुपये के आसपास पड़ा मुझे, 395 के आसपास, उसमें स्मार्टफोन होल्डर भी था, और मैंने ऑर्डर भी कर लिया हूँ। और सोचा अगर ऑर्डर कर लूँगा तो आप सारे लोगों से यहाँ पर जो ब्लॉगिंग है थोड़ा बहुत और भी अच्छा हो जाएगा। तो पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या बाय किया आपको बताऊँगा। 20 रुपये का लिया था और मेरे से नहीं हो रहा है, बच गया सारा। देखें अगर कोई कुत्ता वगैरह होगा तो दे देंगे, और मेरे से नहीं हुआ। अब आपसे बात करना है कि कौन सा माइक लेना है। दोस्तों ब्लॉगिंग के लिए मैं सोचता हूँ जो बोया का जो BY-MM वाले का माइक है, यहाँ पर शो कर जाएगा, वो माइक मुझे सबसे बेटर लगा, क्योंकि
उसमें पहला है ये डायरेक्शनल माइक है, मतलब मैं अगर यहाँ पर उसको ऊपर के साइड लगाऊंगा तो डायरेक्टली मेरा फ्रंट के साइड का जो वॉइस है वो लेगा, और बाकी जो पीछे लेके साइड साउंड है या दोनों तरफ साउंड है नहीं लगा। मतलब ब्लॉगिंग शुरू करते ही 395 का हो गया, मतलब एक गोरिल्ला पॉड का चूना लगा, उसके बाद चूना लगा एक माइक्रोफोन का। तो क्या कर सकते हैं, ब्लॉगिंग तो करना है, और ब्लॉगिंग करना आता भी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग को मुझे पता है कि पहले तो कुछ नहीं होता है। और एक सीखने वाली बात है, हमको अगर कुछ चीज़ मुश्किल लगता है तो हम पहले ही दिन उसको छोड़ लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे मन में एक बार रखना चाहिए, क्योंकि छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को, क्योंकि डे बाय डे तो आप ग्रो होंगे ना, एक दिन नहीं है जो आप डायरेक्टली ग्रो हो जाए। तो गोरिल्ला पॉड तो खरीदते रहते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से मैंने स्मार्टफोन को भी स्टैंड किया हूँ वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एक पेड़ था तो मैंने सोचा ट्राइपॉड का काम उससे ही कर लेता हूँ, और थोड़ा बहुत उससे थोड़ा बहुत आप मेरा काम चल जाएगा अभी के लिए। तो दो ही चीज़ मैंने ख़रीदा हूँ यूट्यूब के लिए अभी ब्लॉगिंग के लिए, पहला है गोरिल्ला पॉड, क्योंकि गोरिल्ला पॉड एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ है एक जो माइक्रोफोन का ये साउंड इम्पोर्टेंट है, इसलिए तकरीबन 1500-1600-1700 रुपये के आसपास BYMM वाले ख़रीदा, मतलब जो डायरेक्शनल माइक होता है डायरेक्टली उससे ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत मुझे हेल्प हो जाएगा। दो ही चीज़ ख़रीदा हूँ, और देखेंगे आगे आगे ब्लॉग कैसा होता है और कैसे हमारे ब्लॉगिंग का जो जर्नी है कैसे आगे बढ़ता है। और कुछ एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों से ऐसे बात करूँगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे और थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के फील्ड में भी थोड़ा बहुत अच्छा करेंगे। और बाइक है, मैं हूँ और चलता हूँ घर, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा काम भी रहता है, 4 बजे से शॉप में भी जाना पड़ता है, शॉप भी एक है। और नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर वीडियोस भी बनाना है, और आज वीडियोस किसके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि आज PSL में बहुत इंपॉर्टेंट एक मैच है, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के बीच यहाँ पर फाइनल है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। और चलिए आज के वीडियो को एंडिंग करते हैं, और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।